त्रिनेत्र चिरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। भारत ने आज चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ ही आज पूरा देश इसरो को बधाई दे रहा है। हम भारतीय चंद्रयान 3 की सफलता पर गर्व अनुभव कर रहे हैं। हर भारतीय चंद्रयान 3 की सफलता पर गर्व अनुभव कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ये पल विकसित भारत के शंखनाद का है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। भारत अब चंद्रमा पर है। भारत का यह चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। आज 40 दिन बाद लैंडर और रोवर शाम 6:40 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ। रतन नगर में भी आज चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग होने पर खुशी मनाते हुए आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर रामचंद्र सैनी, कैलाश पुजारी, विनोद पवन यादव आदि ने भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दी। जय हिंद, जय भारत। आज रतन नगर में चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के अवसर पर पटाखे जलाकर खुशियां मनाई गई। भारत माता की जय। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम इतनी ऊंचाइयों पे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पंखा रोड चूरू में आगामी विधानसभा 2023 की दावेदारी के संदर्भ में चूरू विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी दिनेश कसवा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर व देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधू ने आवेदनकर्ताओं से आवेदन प्राप्त किए। चूरू विधानसभा क्षेत्र प्रभारी दिनेश कसवा ने बताया कि शाम 5 तक रफीक मंडेलिया, कमला पूनिया, अयुब खां चौबदार, विमल शर्मा, सुरेंद्र कोठारी सहित कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस दौरान कसवा ने ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक ली। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को ये निर्देशित किया गया है कि आप चूरू विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के देहात अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष दोनों की अभिशंसा की करने का निर्णय लिया है कि ये 5 आदमियों का पैनल बनाना है जो टिकट के दावेदार हैं। इनको ये अधिकार दिया गया है। आज इस उद्देश्य से ये मीटिंग हुई। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने आज गांव नुआ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक कोष से 13.97 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 कमरा में बरामदा का लोकार्पण समारोह पूर्वक किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में ग्रामवासी विधायक महर्षि को घोड़ी पर बैठा कर डीजे के साथ सम्मान पूर्वक कार्यक्रम स्थल तक लेकर आए। इस दौरान ग्रामवासियों व स्कूल स्टाफ द्वारा विधायक महर्षि सहित अन्य मंचस्थ अतिथियों का साफा एवं पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक महर्षि ने कहा कि स्कूल के विद्यार्थियों को लक्ष्य बनाकर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे कोई भी सफलता आसानी से मिल सकती है। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सफलता पाने के लिए लगातार व अनवरत प्रयास करने पड़ते हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, जिप सदस्य संतोष तालनिया, सरपंच राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। सादुलपुर विधानसभा के भाजपा चुनाव पर्यवेक्षक कौशली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया। यादव ने आज आयोजित पत्रकार वार्ता में विचार व्यक्त करते हुए दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने से विकास कार्य समुचित तरीके से हो सकेंगे। भाजपा और मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा के साथ जब उन्होंने बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो पत्रकारों ने उनसे कैग की रिपोर्ट के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने पहले तो बात को घुमा दिया, फिर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भाजपा की टिकट के लिए कोई भी कार्यकर्ता दावेदारी जता सकता है। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ सादुलपुर विधानसभा चुनाव के प्रभारी झुंझुनू के विकास शर्मा, प्रसारक धन सिंह, संयोजक जगदीश पैरासरिया, चूरू जिला भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक एडवोकेट ओम प्रकाश खीचड़ आदि उपस्थित रहे। चूरूगढ़ चौराहे पर आज भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हरलाल सहारण का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान आतिशबाजी कर व्यापारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया।
जिलाध्यक्ष सहारण ने कहा कि व्यापारियों के साथ उनका पिछले 25 सालों से जो प्रेम है, आज उसी के फलस्वरूप व्यापारियों ने उनका स्वागत किया है। यह सम्मान एक आम कार्यकर्ता का सम्मान है और भविष्य में भी इसी प्रकार से प्रेम और स्नेह मिलता रहेगा। कपड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील भाऊवाला ने स्वागत करते हुए कहा कि सहारण की नियुक्ति जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति है। इस अवसर पर गणेश गोयनका, अमर मोरानी, गिरीश भावनानी आदि उपस्थित रहे। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जिले की बागडोर सौंपी है। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का और जिले के सभी नेताओं को, राजेंद्र राठौड़ साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी कमान सौंपी है। चुनावी वक्त है और चुनावी वक्त में मेरे काम का ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मैं यहाँ बाजार में आया हूँ, जा रहा था। मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे मित्रों ने, सब ने, व्यापारियों ने मेरा स्वागत किया है। मैं इनका आभारी रहूँगा क्योंकि मेरा पिछले 20 साल से इन्हें लगाव है और मैं इनके बीच में छोटे से बच्चे बचपन में आके राजनीति शुरुआत की थी और आज मेरे वो भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बनाए। मैं शहर का, व्यापारियों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी का वो धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत राजल देसर में आचार्य महाश्रवण की विदुषी सुशिष्या शासन साध्वी मान कुमारी के सानिध्य में 21 दिवसीय तप करने वाले तपस्वी पीयूष श्रीमाल किशोर मंडल संयोजक का तप अभिनंदन समारोह आज जैन श्वेतांबर तेरापंथी भवन में आयोजित हुआ। समारोह में राजस्थान के पूर्व देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा ने भी उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करते हुए तप की अनुमोदना की एवं तपस्वी का अभिनंदन किया। तेरापंथी सभा के अध्यक्ष विमल सिंह दुधेड़िया ने आगंतुकों का स्वागत किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में शासन ने कहा कि जैन धर्म की संस्कृति तप और त्याग की संस्कृति है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर संयम व त्याग में पराक्रम करता है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रेणवा ने अपने ओजस्वी भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ भिक्षु भजन मंडली के साथ मिलकर सुमधुर गीतिका का संगान कर तपस्वी का अभिनंदन किया। पीयूष ने जो 21 दिन का तपस्या की, बहुत ही विलक्षण तपस्या है। एक दिन भी उपवास करते तो उसमें भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर 21 दिन तक बिना अन्न के रहना करना अपने आप में दिव्य बात है। 48 दिन का सुनते रंतिनाथ जी जो हुए थे, महाराज रंतिनाथ, वो सिद्ध हो गए, कर गए थे। ये बहुत ही विलक्षण काम है। तपस्या का जैन धर्म में बहुत ही महत्व है और तब से हम देखते हैं भगवान वर्धमान से भगवान बन गए थे, महावीर बन गए थे और ब्रह्मा भी आज तपस्या से सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। तो तप का जीवन में बहुत महत्व है। तप बहुत तरह के तप होते करते हैं। एक तो उपवास तरह का तप होता है, बाकी हमारी बुराइयों को छोड़ना भी तप है। हमारे मन में जो दृढ़ संकल्प है कई बातों का, उन सब का ये एक तप का रूप है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं आज का जो युवा हमारी गीता में जो कहा योग भ्रष्ट, मैंने बता रहा था कि छोटी सी उम्र के अंदर में इसने जो इतना बड़ा प्रण लिया है, इतना बड़ा संकल्प लिया और उसको पूरा किया है, उसके लिए उनके माता पिता को, सम्माननीय मुकेश जी और उनके माता मुकेश जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की संतान उत्पन्न की है जो अपना परिवार का, अपने खानदान घराने का कल्याण करती है। मैं सबने धर्म का कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि जो एक संस्कार आज ही हमारी पीढ़ी में कमी हो रही है उसकी पुनर्वाति और वो सब बच्चे अच्छे संस्कार बन रहे हैं। चूरू कलेक्ट्रेट में आज राजकीय विद्यालय कोटवार ताल में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिक व्यवस्था करवाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कोटवार ताल के नरेंद्र कोटवार ने बताया कि गांव के विद्यालयों में वर्तमान में अंग्रेजी, गणित, हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, कनिष्ठ सहायक व सहायक कर्मचारी आदि के पद खाली पड़े हैं। साथ में कंप्यूटर अनुदेशक 4 जुलाई से लगातार आज तक निर्वाचन शाखा में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। छात्र छात्राओं का अध्यापन कार्य एवं विद्यालय संचालन बेहद प्रभावित हो रहा है, जिससे गांव के बालक बालिकाओं का भविष्य दांव पर लगा है। इस दौरान नंदलाल सिंह, सावंत सिंह, सुमेर सिंह, सोहन राम आदि मौजूद रहे। मैं जब से कर्मोन्नत हुई है, माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी बनी है, तब से लेकर के आज तक जो गणित का सब्जेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उसमें नए तो टीचर लगे हैं। एक हिमांशु नाम करके चावरिया जी हैं, वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको भी सैलरी वो वहाँ से उठा रहे हैं, डेप्यूट कहीं और कर रखा है उनको। तो हमारी स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है गवर्नमेंट स्कूल की, और हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।
शिक्षक ही अगर उसमें नहीं होंगे तो शिक्षा मिलेगी कैसे? सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक ही अगर नहीं है तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? हम शिक्षा विभाग से काफी बार अनुरोध कर चुके हैं, आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि अगर आगामी 5 दिन में अगर शिक्षकों की वहाँ नियुक्ति नहीं की जाती है तो हम हमारे बच्चों को वहाँ से एडमिशन कटवा करके, TC कटवा करके अनंतर किसी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे और उस स्कूल के तालाबंदी करेंगे। ये लास्ट निर्णय समस्त ग्रामीणों ने, हमारे सरपंच साहब पास में खड़े मेरे बड़े भाई, तो इन्होंने भी यही निर्णय लिया है, ग्राम पंचायत पूरी ने, संपूर्ण ने ये निर्णय लिया है कि अगर शिक्षा विभाग शिक्षकों की नियुक्ति अगर जल्द से जल्द कर देता है तो हम हमारे बच्चों को वहाँ रखेंगे, अन्यथा हम हमारे बच्चों को वहाँ से TC कटवा करके और अनंतर कहीं एडमिशन करवाएंगे। स्कूल 8 सीटें खाली है जिनमें अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी, वरिष्ठ अध्यापक गणित। घांगू गांव के राजीव गांधी IT सेंटर में आज ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत समस्त कार्यों एवं व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। प्रभारी सहायक विकास अधिकारी सोहनलाल धाये ने सामाजिक अंकेक्षण व ग्राम सभा की मॉनिटरिंग की। ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रही सरपंच विमला देवी दर्जी ने ग्राम सभा का महत्व बताया। वहीं ग्राम विकास अधिकारी मुकेश ने सामाजिक अंकेक्षण का भौतिक सत्यापन करवाया। इस अवसर पर समाज सेवी महावीर नेहरा, जल जीवन मिशन के महेंद्र कुमार योगी, जगदीश खेड़ीवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। आज ग्राम पंचायत घरों में सामाजिक अंकेक्षण की जो वित्तीय वर्ष 22-23 की प्रथम और द्वितीय छमाई की जो महात्मा नरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना अन्य में जो कार्य हुए हैं उनकी एक पूर्व में जिला परिषद स्तर से जो टीम बनाई गई है DRP और VRP की, उसके द्वारा पिछले 7 दिन से समस्त कार्यों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने जो समस्त रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट को आज ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया। उस हेतु मुझे इस ग्राम सभा का प्रभारी बनाया गया था। अभी तक ग्राम सभा में समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। भाजपा के विधायक प्रवास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में रतनगढ़ आए विधायक मोहन सिंह मेहरा ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मंडल अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं व आमजन के द्वारा विधायक दावेदारों व पार्टी की स्थिति का फीडबैक लिया। इसी क्रम में मंगलवार को राजेंद्रसर कस्बे के श्री राम विद्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक मोहन सिंह मेहरा व विस्तारक संजय अठवाल का माला, दुपट्टा व साफा पहनाकर सम्मान किया। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आपने प्रवेशक के रूप में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भेजा है, आपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की, पुराने कार्यकर्ताओं की, वर्तमान कार्यकर्ताओं की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो संगठन की गतिविधियां चल रही है, साथ में आगे चुनावी मोड पे किसको टिकट दी जाएगी, इसको लेकर आपके पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है। पहले तो हम राजेंद्र सिंह पावन धरा पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब ये बताइए आगे का क्या कार्यक्रम है, आपने क्या 2 दिनों से देख रहे हो, क्या माहौल है, क्या नहीं है? मैं आप दोनों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और राजस्थान की धरती को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम भी मूल निवासी राजस्थान से गए और मैं आपके बीच में 3 दिन से प्रवासी के नाते आपके बीच में आया हूँ और राजस्थान के लोगों को उनकी बात सुन करके, और राजस्थान के लोगों ने बहुत बढ़िया बात हमारे सामने रखी है। जो सरकार का आदेश है, उत्तराखंड सरकार ने हमको भेजा है और यहाँ के निवेदन पर भेजा है, आपके पूरे राजस्थान में 200 विधायक यहाँ पर आए हैं और सिर्फ वो किसी कोई टिकट देने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर आके लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आगे की रणनीति है और मोदी जी ने यहाँ पर क्या क्या करा है। पूरा देश कह रहा है कि आज मोदी जी को लाना है, मोदी जी को लाना है। अमेरिका जैसे देश में मोदी जी का के नाम के नारे लग रहे हैं। भारतवर्ष में हम सब ने मन बना दिया, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक यहाँ हम परचम लहराएंगे और यहाँ के हम एक एक व्यक्ति, कल तो हमने महिलाओं से बात करी, एक एक व्यक्ति से पूछ रहे कि क्या यहाँ का जायजा है, क्या किया, क्या नहीं किया और भविष्य में क्या होगा, वो सब आपके सामने देखने को मिलेगा। साधनपुर सिद्धूप में पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार, विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया तथा विधायक नरेंद्र बुडानिया के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तथा कहा कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती जहाँ जी का जंजाल बन रही है, वहीं पीने का पानी नहीं मिलने के कारण लोगों का हाल बुरा है, वह भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
ग्रामीणों ने सिद्धमुख से सिवानी भीमसाना रामसरा धानोटी तक, सिद्धमुख से तारनगर वाया कांजण बिरमी बाय जोथड़ा तक राजस्थान परिवहन निगम की बस चलाने की मांग की। इस मौके पर बाबूलाल, दयाचंद मेहरा, योगेंद्र चाहरवाला आदि मौजूद रहे। देखो ये जैसे अर्जुन भाई ने बताया कि हमारी मांगे हैं, तो हमारी मुख्य पांच मांगे हैं। एक तो सबसे पहले है बिजली पानी की। मुख्य सुविधा अगर व्यक्ति को चाहिए तो वो है बिजली और पानी और परिवहन। जो ये तीन सुविधा ही नहीं मिल रही है, ये तो मूल सुविधाएं हैं, तो कैसे देश प्रगति करेगा। ये है कि देखो पढ़ाई के लिए बच्चों को इधर से उधर जाना पड़ेगा। युवा साथियों ने हमारा साथ दिया है, आज सभी का दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये हमारा पाँच दिन का अल्टीमेट है। अगर जो हम जिस समस्या को हम यहाँ पे लेके आए हैं, बिजली पानी की हमारी समस्या है, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मेरे खास मित्र जो अनिल सियाग, इन सभी युवाओं को उन्होंने एकत्रित किया है, इसी तरह के बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, शासन और प्रशासन की होगी, और वहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर पाँच दिन का अल्टीमेट, अगर पाँच दिन के बाद हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नौजवान किसान छात्र ने बिजली की समस्या, पानी की समस्या को लेकर एकजुट होकर तहसीलदार महोदय को, क्षेत्रीय विधायक महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है और प्रशासन से मांग की है कि जल्दी हमारी पानी और बिजली की समस्या का स्थायी समाधान करें, अन्यथा हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए एकजुट हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय क्विज का पहला जनरल राउंड हयात रीजेंसी चंडीगढ़ में सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें स्टेट लेवल क्विज पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ के विजेताओं ने भाग लिया। उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल ने बताया कि इस क्विज में कुल मिलाकर ब्लॉक स्तर पर लगभग 6500 से अधिक सरकारी स्कूलों ने भाग लिया, जिनमें लगभग 13000 स्कूली छात्र शामिल हुए। इस क्विज के विजेताओं और प्रतिभागियों को RBI के कार्यालय निदेशक नीरज निगम और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्वाकांक्षी राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ किया। उन्होंने मंगलवार को जयपुर के बिरला सभागार में मिशन के उद्घाटन समारोह में कहा कि प्रदेश की प्रगति को 10 गुना गति देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों से उनके सपने के राजस्थान की सलाह और सुझाव लेगी। इन्हीं के आधार पर विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार कर जारी किया जाएगा। इस दौरान चूरू जिला मुख्यालय से टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद जिले भर के प्रबुद्ध जनों, परामर्शदाताओं, हितधारकों ने VC के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना विकास, सोलर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बन गया है। रतनगढ़ में राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम PMO डॉक्टर संतोष आर्य को एक ज्ञापन दिया। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष टेडरा प्रजापत ने बताया कि 11 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर उक्त ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में वेतन विसंगति को दूर करना, विभिन्न प्रकार के भत्ते देना, सभी दवा वितरण केंद्रों को वातानुकूलित करने, फार्मासिस्टों की वरीयता सूची को शीघ्र ही जारी कर पदोन्नति देने संबंधित मांगों का उल्लेख किया गया है। चूरू जिला खेल स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के मंगलवार को हुए समापन समारोह में अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पंचायत समिति की विकास अधिकारी डॉक्टर शर्मिला छल्लानी ने कहा कि बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए। ग्रामीण अंचल में खेलकूद का आयोजन होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर CVO ओम दसहारण, ACVO खालिद तुगलक, उप प्रधानाचार्य विजयपाल धुआं आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। हमने ब्लॉक स्तरीय आयोजन दिनांक 17 से 21 तक करवाया था और 22 आज हमारा समापन है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि सीमित संसाधनों में हमने ये जो हमारी मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप बहुत अच्छी तरह से हमारे सभी सहयोगी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने
ये कार्य करवाया। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसके लिए सभी का धन्यवाद देती हूँ। और आगे जो हमारा जिला स्तरीय आयोजन होगा उसमें भी हमारी सभी टीमें और सभी सहयोगी अच्छा प्रदर्शन करें, यही मैं इस विषय में कहना चाहूँगा। वहीं बीदासर के राजेंद्र सुरेंद्र चौड़िया स्टेडियम में भी 6 दिवसीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन समारोह विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित कर किया गया। नोडल ऑफिसर बीदासर डॉक्टर सरदार सिंह रेवाड़ ने बताया कि बीदासर उपखंड की 27 ग्राम पंचायतों में ब्लॉक स्तर पर विभिन्न खेलों में 161 टीमों ने भाग लिया। ओलंपिक खेलों की 7 इवेंट में कुल 11 टीमें विजेता रही, जिन्हें गोल्ड मेडल वे मेरिट प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संदीप व्यास, तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा, नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र छीपा आदि मौजूद रहे। ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का राजेंद्र सुरेंद्र चौड़िया स्टेडियम में आज समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहने हैं? मैं डॉक्टर सरदार सिंह रेवाड़ नोडल ऑफिसर ग्रुप स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो 17 अगस्त से आज 22 अगस्त 2023 तक सप्ताह भर चले। सर ब्लॉक स्तरीय है जो कितनी टीमों ने यहाँ पर विजय हासिल की, इसके क्या कहने? उपखंड बीदासर की 27 ग्राम पंचायत है, इन 27 ग्राम पंचायतों से विभिन्न खेलों में जैसे कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, क्रिकेट, रस्साकसी में कुल 161 टीमों ने भाग लिया। इनमें से 93 टीमें पुरुष वर्ग में थी और 68 टीमें महिला वर्ग में थी। जी, अब जिले के लिए कितनी टीमें हैं जो खेलने के लिए जाएगी? यहाँ से जिले से 11 टीमें विभिन्न खेलों में 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जिला हेडक्वार्टर चूरू में आयोजित खेलों में भाग लेंगी। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में उपखंड बीदासर की 27 ग्राम पंचायतों से महिला और पुरुष में लगभग 161 टीमों ने भाग लिया। 61 टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। जो 7 इवेंट्स थी खेलों की, उनमें से 11 टीमें विजेता रही। समस्त टीमों को पंचायत समिति बीदासर के द्वारा मेरिट प्रमाण पत्र गोल्ड मेडल द्वारा सम्मानित किया गया। और जितने भी कार्मिक अधिकारी यहां नियोजित किए गए थे उन सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर कार्यक्रम का समापन किया गया। सावन माह के सोमवार की रात चूरू शहर के भाईजी चौक स्थित सैन मंदिर में भगवान शिव का बर्फ से आकर्षक श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं तिरंगे के रंग में बर्फ को तैयार कर भगवान शिव का मनमोहक श्रृंगार किया गया। सैन समाज अध्यक्ष राजेश रक्षक ने बताया कि आयोजन के लिए 2-3 दिन पहले से ही तैयारी कर रहे थे। वहीं जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक शंकरनाथ जी की छतरी शिवालय में सोमवार को आयोजित श्रावण महोत्सव पर भोलेनाथ की भक्ति में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महंत निर्मलनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रावण महोत्सव में भगवान भोलेनाथ का हिम श्रृंगार और शिवालय में महाकाल की प्राकृतिक श्रृंगार आकर्षक का केंद्र रहा। इस दौरान श्रद्धालु महाकाल का प्राकृतिक श्रृंगार देखकर अभिभूत हो गए। महाआरती के बाद हुई भजन संध्या में संतों सहित गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर झांकियों का शानदार प्रदर्शन करने वाले बाल कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। रतनगढ़ के लोगों ने मंगलवार को SDM के नाम ज्ञापन देकर शहर में बेसहारा पशुओं के आतंक से निजात दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बेसहारा पशुओं के आतंक से आमजन परेशान है। 21 अगस्त की सुबह वार्ड संख्या 17 निवासी देवीलाल सांखला को बेसहारा सांड ने चोटिल कर दिया तथा उनके गंभीर चोट आई। इसके अलावा अन्य कई लोगों को भी बेसहारा पशुओं ने घायल कर दिया। ज्ञापन पर एडवोकेट सतीश मारू, सुरेंद्र जायसवाल, नंदकिशोर कंदोई सहित कई लोगों के हस्ताक्षर है। करीब 8:30 बजे का टाइम था तो मैं बाहर खड़ा था, मेरे पास में ननियाल है मेरा, तो उधर जा रहा था लेकिन अचानक छांड आया, आगे गाय थी और वो भागता भागता आया और उसने जो अचानक मेरे पे हमला कर दिया और मेरे को मौका नहीं मिला कि मैं घर में घुस जाऊँ कहीं जाऊँ, मुझे दौड़ा दिया आगे आगे भागता रहा और आगे भागता भागता आखिर दूसरी गली में जब मैं टर्न लिया मैंने जानबूझ के ताकि इसकी थोड़ी गति कम हो जाए और आगे जाके मैं गिर गया और मेरा ये हाथ है ये हाथ टूट गया और ये कोरोना आई है। डॉक्टर साहब हर्ष साहब के पास गया और फिर उन्होंने ये हाथ चढ़ाया और मतलब काफ़ी घायल हुआ मैं तो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो आवारा पशु है शहर में जो घूम रहे हैं इसका जो प्रशासन, जो संबंधित प्रशासन नगर पालिका हो चाहे कोई और भी हो,
जो भी हो कोई संस्था हो समाज की, वो इसका कोई उपाय करे ताकि आम जनता को इससे राहत मिले। कल को कोई छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई हो तो मतलब अगर इसके चपेट में आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं तो भाग के अपनी जान मैंने बचाई, बड़ी मुश्किल से बचाई है, और मैं क्या कहूँ, इतनी बात करना चाहता हूँ। चूरू कलेक्ट्रेट में ग्राम आसल खेड़ी का सहायक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण करवाने, रबी फसल बीमा, वंचित रहे राशन उपभोक्ताओं को राशन दिलवाने, स्थायी राशन डीलर की नियुक्ति करवाने, विद्युत ट्रांसफार्मर को बढ़ाने आदि समस्याओं को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर को ग्रामवासियों ने ज्ञापन सौंपा। रामनिवास कड़वासरा ने बताया कि ग्राम आसल खेड़ी का पूर्व में सहायक अभियंता कार्यालय ग्रामीण चूरू विद्युत विभाग के कार्यालय में ही था, परंतु पिछले माह से सहायक अभियंता कार्यालय को विद्युत विभाग से बदलकर ग्राम सातरा में कर दिया गया है, जिससे ग्राम आसल खेड़ी के आमजन को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर जय सिंह, रावताराम, लक्ष्मण गिर, गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। जो समस्या है वो है, ये तो ग्राम पंचायत आसल खेड़ी में सहायक अभियंता कार्यालय जो सातरा कर दिया गया है वो यहाँ चूरू रखे, और जनता को जाने में समस्या होती है, कोई रोड की सुविधा नहीं है, भौगोलिक स्थिति भी खराब है क्योंकि वहाँ दूर जाना पड़ता है। आसल खेड़ी में आसल खेड़ी चुराने के लिए केवल 20 किलोमीटर है, वो जाके 40 किलोमीटर होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक कार्यालय चूरू में रखे जाए। दूसरी समस्या है कि ग्राम पंचायत में रेवी की फसल का क्लेम है वो जारी नहीं किया गया है, और कलेक्टर साहब से हमें अवगत कराए हैं और जल्दी जारी करने की कृपया करने के लिए कहा है उन्होंने। ग्राम पंचायत आसल खेड़ी वंचित राशन उपभोक्ताओं को राशन दिलवाने और स्थायी राशन डीलर की नियुक्ति करने के संदर्भ में भी ज्ञापन दिया गया है, और ग्राम पंचायत में विद्युत ट्रांसफर जो कि गांव में आबादी 4000 हो गई है, और ट्रांसफर कितने है? तीन है तो दो ट्रांसफर की मांग करते हैं। चूरू विधायक निवास पर मंगलवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से भाजपा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष हरलाल सारण का साफा व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मोर्चा की ओर से सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष हरलाल सहार ने सदस्यता ग्रहण के मोबाइल नंबर 8140200200 पर मिस्ड कॉल कर भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान, मोर्चा के प्रभारी हाजी अब्दुल हबीब अनवरी, रमजान खान जोया आदि उपस्थित रहे। को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता में उत्साह है। आज अल्पसंख्यक मोर्चे ने जिस तरह का मान और सम्मान दिया है, और इन्हें उत्साह देख के ये लग रहा है कि अब की बार अल्पसंख्यक लोग हमारे साथ अधिकतम जुड़ेंगे, और इस आने वाले 3 महीने में घर घर जाके आज वोट बैंक जैसे एक तरफ पड़ता है उसको ध्रुवीकरण करके आधे वोट हमारे को भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। आज संकल्प लिया है, और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बनाया। मैं नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश का, राजेंद्र राठौड़ और पूरे जिले की भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, और अल्पसंख्यक मोर्चे का मैं आभारी हूं कि मेरा मान सम्मान रुमाल उठा के रुमाला बना के मान सम्मान के, इसलिए मैं इनका आभारी हूं। राजस्थान राज्य विद्युत मंत्रालय संघ संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष मनोज रॉयल ने अधीक्षण अभियंता के मार्फत अध्यक्ष विद्युत डिस्कॉम जयपुर के नाम मंगलवार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन और पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन दोनों संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बिना शर्त लागू करने, पुराने कर्मचारियों को RGHS योजना लागू करने, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर, कनिष्ठ अभियंता की ग्रेड पे वृद्धि सहित संगठनों की उचित मांगों को लेकर किए जा रहे शांतिपूर्वक जयपुर में धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। हमारा प्रदर्शन राजस्थान राज्य विद्युत मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश के आह्वान पर राजस्थान के तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन एवं पियर्स इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा लगातार अपनी जायज मांगों को लेकर के OPS को लेकर के इंटर डिस्कॉम को लेकर के पुराने कर्मचारियों को OPS का फायदा देने और उनको RGHS लागू करने सहित नेको जायज मांगों को लेकर के लगातार सरकार को विद्युत निगम प्रशासन को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, चेताया जा रहा है, और वर्तमान में 2 दिनों से राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु विद्युत निगम प्रशासन और राज्य सरकार इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है, और विद्युत के क्षेत्र में काम करने वाले अभियंता और मंत्रालयिक कर्मचारी एवं तकनीकी कर्मचारियों की जायज मांग को
नहीं सुनवाई कर रही है, इसलिए अब प्रदेश के राजस्थान राज्य विद्युत मंत्रालय कर्मचारी संघ ने भी आह्वान किया है, अगर समय रहते विद्युत प्रशासन एवं राज्य सरकार विद्युत के क्षेत्र में काम करने वाले अभियंता कर्मचारी और मंत्रालय कर्मचारियों की जायज मांग को नहीं मानती है तो मजबूर होकर हमारे संगठन को भी इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। चूरू के अखिल भारतीय नायक महासभा के जिला अध्यक्ष एवं मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक व महासभा के संरक्षक डॉक्टर बीएल नायक के नेतृत्व में मंगलवार को नायक समाज के शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नायक समाज को गत वर्षों से अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिससे नायक समाज के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नायक समाज के विद्यार्थियों के लिए आवासीय छात्रावास हेतु 2000 वर्ग मीटर की निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है। महासभा जिला चूरू की ओर से जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत व राज्यपाल को ज्ञापन प्रस्तुत करके मांग करेंगे कि नायक जाति को अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए, क्योंकि ये हमारी वर्षों से पुरानी मांगें चली आ रही है, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब अगर हमारी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और आंदोलन भी उग्र करेंगे, हो सकता है हम चुनाव का बहिष्कार करें। दूसरी हमारी मांग है कि नायक समाज के लिए छात्र छात्राओं के लिए कोई छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, अगर व्यवस्था नहीं की जाती है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी।